तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टपल्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज अ टपल। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब दोज थिंग्स विच कांट बी चेंज्ड, मतलब हम इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। ऑल दो टपल्स आर वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट, बट देर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड अ टपल, एंड बोथ आर वेरी मच यूज इन पाइथन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। सो टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? टपल को हम पैरेंथेसिस से शो करते हैं और वहीं पे हम लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है टपल और लिस्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ एक टपल बना के, एक टपल कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया टपल, जैसा कि मैंने बोला था पैरेंथेसिस से शो करते हैं। मैंने एक पैरेंथेसिस बनाया, 1 2 3 चार एलिमेंट्स डाल दिए, तो ये हमारा टपल हो गया, एक टपल बन गया। अब हम इस पे एक ऑपरेशन लगाते हैं इसको प्रिंट करने का, तो ये हो गया प्रिंट। उसके बाद टपल्स पे हम और क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं? टपल्स पे हम इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं टपल की। जैसे टपल का मुझे कोई इंडेक्स चेक करना है, मान लीजिए मुझे 3, जो ये हमारा 3 है इसको आउटपुट में लाना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2। तो हम 2 इंडेक्स दें तो हमारा 3 आउटपुट में आना चाहिए। लेट्स सी, तो हमारा 3 आया। तो हम टपल्स पे इंडेक्स का ऑपरेशन लगा सकते हैं, इंडेक्स से हम टपल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम टपल को स्लाइस भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें अपनी टपल को स्लाइस करना है, हम टपल को 0 से स्लाइस करना शुरू करते हैं और किस वैल्यू तक? 2 तक करते हैं, 3 तक करते हैं मान लीजिए। तो इस ऑपरेशन को एंटर करने के बाद हमारा टपल क्या बनेगा? 1 2 3, और ये है फोर्थ इंडेक्स। यानी 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है पाइथन में, 0 1 2 3। तो जैसा कि मैंने बताया था स्लाइसिंग के वक्त जो लास्ट वैल्यू हम देते हैं, जहां तक देना है उसको हम एक्सक्लूड करके देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कहाँ आनी चाहिए? 1 2 3 आनी चाहिए केवल। तो हमारी 1 2 3 आई। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? टपल्स को हम अपडेट तो कर नहीं सकते, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, तो हम उन्हें अपडेट नहीं कर सकते। बट एक टपल को हम दूसरी टपल में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और टपल बना लिया, एक और टपल में कुछ वैल्यू दे दी मैंने, 5 6 7। तो मान लीजिए जैसे अगर हम एक बात इमेजिन कर लें कि हमें 5 6 7 इंसर्ट करना है अपनी टपल में, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं एक और टपल बनाऊं, टपल 3, जिसमें मैं टपल प्लस टपल 1। मैंने सबसे पहले एक नई टपल बना के उसमें ये टपल ऐड किया और अपना ये टपल ऐड किया। इसके बाद क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? मेरे पास आना चाहिए एक ऐसी टपल जिसकी वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 तक। लेट सी, मे बी सम एरर इज देयर, मे बी वी मिसस्पेल्ड, सॉरी हमने यहाँ टपल 1 तो कोई क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक करी। लेट्स डू इट वन अगेन। अगर मैं टपल 2 दूँ तो अब हमारा आना चाहिए, देखिए अभी हम मेरा सही आ गया है। तो टपल, अब मैं टपल 3 को प्रिंट करता हूँ, टपल 3 प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए। लेट्स सी, देखिए मेरा वही टपल आया है। उसके बाद हम टपल में डिलीट ऑपरेशन तो लगा नहीं सकते, बट किसी स्पेसिफिक टपल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टपल 2 को डिलीट कर दूं तो मेरा ऑटोमेटिकली 5 6 7 रिमूव हो जाएगा। लेट्स डू इट, डिलीट टपल 2। तो अब टपल 2 डिलीट हो गया, टपल 2 हमारा डिलीट हो गया। अब मैं अगर टपल 2 प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेट्स सी, नो ऑब्जेक्ट फाउंड, टपल नॉट डिफाइंड। तो हम इस तरीके से टपल पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो यही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं टपल के लिए। थैंक यू।